दर्शकों, हमारे देश में कम ही लोग ऐसे हैं जो सहवास यानी सेक्स के विषय में खुलकर बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्सायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? अगर नहीं तो आज हम क्यों सहवास यानी सेक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से डरते हैं? क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, सहचार्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सकें और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में सहवास के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। पहला नियम। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के पांच प्रकार की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को वीर भी कहा जाता है, यानी वह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में महावारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौचादि से निवृत्त हो। दूसरा नियम। कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन का मानना है कि स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से कामशास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह कामकला में निपुण हो सकें और पति को अपने प्रेम पाश में बांध कर रख सकें। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननद या भाभी, जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो, आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा नियम। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में ग्रह कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। चौथा नियम। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रात्रि का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक रति क्रिया के लिए सबसे उचित समय है। इस प्रहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भाग्य प्रबल होता है, और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद रति क्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले प्रहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। पांचवा नियम। हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण के होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए।
जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो सहवास ना करें। सहवास से पहले शौचादि से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों की अच्छे से साफ सफाई करें या स्नान करें। छठा नियम, यदि आपकी पत्नी या पति की सहवास करने की इच्छा नहीं है या किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। अर्थात पति पत्नी की मना स्थिति अच्छी हो तभी सहवास करना चाहिए। सातवां नियम, इन सबके अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। आठवां नियम, हिंदू धर्मशास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्त्री पुरुष को किसके साथ सहवास नहीं करना चाहिए। दुश्चरित, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है वह बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है, क्योंकि उसके अनैतिक कृत्य को देखने वाला ऊपर बैठा है। नवा नियम, ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भधारण के बाद सहवास ना ही किया जाए तो ही उचित है। दसवां नियम, इसके अलावा आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। तो ये है मित्रों शास्त्रों का सहवास के लिए विधान। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर जागरूक करेंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।